तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 हाई पेइंग कोर्सेज के बारे में। ये वीडियो दोस्तों साइंस स्ट्रीम के लिए है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है या आप आर्ट्स स्ट्रीम से है तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से या फ्रेंड से पूछो कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए साइंस स्ट्रीम में 12th के बाद, तो दोस्तों वो आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज के बारे में बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि तुम डॉक्टर बन जाओ या तुम इंजीनियर बन जाओ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये आपके एबिलिटी और ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12th के बाद कौन सा कोर्स को चॉइस करो। तो दोस्तों मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊं जिन कोर्सेज को करने के बाद आपको सोसाइटी में बहुत इज्जत मिलेगी, और दोस्तों इन कोर्सेज को करने के बाद आपका अच्छा खासा जॉब लगता है और वहां पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में। ये एवरग्रीन फील्ड है और बहुत ही वास्ट फील्ड है। इस कोर्स को करने के बाद आप ना ही सिर्फ हाई सैलरी प्राप्त करेंगे बल्कि दोस्तों आप अपना खुद का फर्म यानी कि अपना खुद का कंपनी खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की दुनिया में ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो इसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये दोस्तों 5 साल का कोर्स है, और अगर आपको इस कोर्स को करना है तो उससे पहले आपको एक एग्जाम अपेयर करना पड़ेगा, NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये दोस्तों वही कर सकते हैं जिनका 12th में PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स था। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेवी कोर्स के बारे में। ये नाम सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहले आता होगा मर्चेंट नेवी। तो दोस्तों अगर आप मेन है या आप वोमेन है, आप दोनों इस कोर्स को कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसलिए साइंस लेते हैं ताकि वो आगे जाकर मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सके। बहुत ही दोस्तों हाई सैलरी वाला कोर्स है। आप यहाँ पर नेविगेशन इंचार्ज बन सकते हैं, आप मरीन इंजीनियर्स बन सकते हैं, आप कैप्टन भी बन सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे BSc इन कंप्यूटर साइंस यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस के बारे में। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 3 साल, और इस कोर्स को करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आप सभी को दोस्तों पता ही होगा कि आज के दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कितना डिमांड है। तो जब आप एक बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो दोस्तों आपको MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में भी आपका जॉब लग जाता है। और दोस्तों वहां की सैलरी की बात करूं तो बहुत सैलरी होता है आपका, और MNC के थ्रू आपको बाद में अब्रॉड जाने का भी चांस मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कमर्शियल पायलट के बारे में। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि अब तक जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया उन सब में से सबसे ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ मिलता है, और सबसे ज़्यादा इज्जत भी दोस्तों आपको यहाँ मिलता है, और सबसे ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स भी ये है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी अगर आपको कमर्शियल पायलट बनने के बाद मिलता है तो दोस्तों कमर्शियल पायलट बनने में भी आपका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इसके ट्रेनिंग में आपका 10 से 20 लाख, जी हाँ 10 से 20 लाख आपका सिर्फ इसके ट्रेनिंग में लग जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस कोर्स को कराते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देखें, और उसके बाद आप अपने टीचर से मशवरा लें। और दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इस कोर्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो आप सबसे पहले अच्छे इंस्टीट्यूशन को चुने और उसे शॉर्टलिस्ट करें और उसके बारे में पता लगाएं, तभी दोस्तों आप जाकर इस कोर्स को करिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हमारा लास्ट कोर्स कौन सा है। तो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें और उसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात ना करें तो दोस्तों वीडियो आपको अधूरा लगेगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं आपको उन सभी कोर्सेज के बारे में नहीं बताऊंगा जो कि स्टूडेंट्स रेगुलरली करते हैं यानी कि नॉर्मली करते हैं, जैसे कि हो गया सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, IT इंजीनियर। तो दोस्तों ये तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ और ऑप्शंस बताता हूँ ये भी कोर्सेज को आप कर सकते हो, और ये दोस्तों बहुत ही यूनिक कोर्सेज है, जैसे कि हो गया एरोस्पेस इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर, नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर। तो दोस्तों ये सभी कोर्सेज को भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर आकर ये वीडियो एंड होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही एडुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। टिल देन बी जेंटल, बी काइंड, बी स्मार्ट, टेक केयर।